दबंगों ने किया गरीब महिला का मकान जबरन कब्जा। प्रयागराज के धूमनगर नचिकेकांत सी राम आवास में अपना मकान को दबंगों से कब्जा मुक्त कराने की मांग को लेकर पीड़ित महिला अपने परिवार के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची। पीड़ित ने पुलिस पर दबंगों से मिलीभगत, अपने मकान को दबंगों से कब्जा मुक्त कराने की मांग को लेकर पीड़ित महिला अपने परिवार के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची। पीड़ित ने पुलिस पर दबंगों से मिलीभगत कर कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया। पीड़िता ने इस संबंध में एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक के नाम सौंपा। पीड़ित ने कांसीराम आवास के ही कुल दबंगों पर जबर मकान पर कब्जा करने का आरोप लगाए हैं और पीड़ित को मकान से दूर रखा है, साथ ही जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वे बहुत दम्भक व्यक्ति है। पीड़िता ने बताया कि उसने इस संबंध में तहसील दिवस में कब्जे के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन पुलिस दबंग के साथ मिली हुई है और पीड़िता की मदद करना नहीं चाहती। पीड़िता ने इस संबंध में एक ज्ञापन को सौंपा कर इंसाफ की गुहार लगाई। लगभग एक दर्जन दबंग एक मकान पर जबरन कब्जा करने के नियत से खरीदारी करने गए। पीड़ित के मकान का ताला तोड़कर घर में घुस गए। पड़ोसियों से सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पीड़ित दंपति ने दबंगों का विरोध किया तो गाली गलौज करते हुए मारपीट कर भगा दिया, जिसकी सूचना पीड़ित ने पुलिस कंट्रोल रूम व स्थानीय थाने में लिखित रूप में दी। पीड़ित की लिखित शिकायत पर मौके आई स्थानीय पुलिस को देख दबंग आरोपियों से बातचीत का प्रयास किया तो दबंगों ने अंदर से मकान का ताला बंद कर छत से अधा गुम्मा चलाने लगे। घंटों की मशक्कत के बाद वार्ता करने में असफल रही पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। खबर जगत के लिए एलेन सिंह की रिपोर्ट। क्या हुआ था? नाम है, मेरे ससुर का नाम मकान था, मैं मेरे ससुर खत्म हो गए, मैं उसी मकान में रहती थी। हमने अपने के घर चले गए मैं कि तुम मेरा सामान पाक फेंक दिए। कौन लोग थे? और भेज थे और उर्मिला वाली ये सब मिलकर मुझे मारने के लिए कर मेरे बच्चों को लेकर साथ हम मैं रह रही हूँ बाहर रोड पर। पुलिस के पास गए? कुछ नहीं सुनते, पुलिस वाले के पास जाते भगा देते, बोलते चले जाओ ना तुम्हें देर भेज देंगे। पुलिस वाले को नहीं सुनते, तीनों बच्चे सब मर जाएंगे। मेरा बेटा भी मर गया, मेरे पति भी मर गए, ससुर सास कोई नहीं, मेरे दो बच्चे साथ आके रहे। क्या नाम है तुम्हारा? प्रीति।